5th सितंबर जो कि एज अ टीचर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। इसमें जो जिनके ऊपर मनाया जाता है ये उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये ऐसे ही किसी के नाम पे इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो ऐसी ही नहीं मिलती है। उनके नाम पे आज पूरे देश जो है पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है टीचर्स डे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पे। तो कोई ऐसा ही आदमी वो नहीं रहे होंगे, नॉर्मल आदमी तो रहे नहीं होंगे जो कि पूरे देश आज उनके ऊपर गर्व करता है और सेलिब्रेट कर रहा है उनके नाम पे। तो ये जानने की जरूरत है कि वो क्यों ऐसे इनको ऐसे इतने महान क्यों बने और कैसे बने और टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है उनके नाम पे। तो सर तो इससे पहले आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाते हैं उनके नाम पे और उनका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है उनके। तो नॉर्मल सी बात है कि टीचर्स वो होते हैं जो कि अपने बच्चों को अपने से ज्यादा ऊपर देखना चाहते हैं। एक टीचर की ये उनकी कर्तव्य भी होनी चाहिए कि बच्चे जो आपके हैं वो आपसे ऊपर जाए, ऐसा आप उनको ट्रेन करें, ऐसा उनको एजुकेशन दें और ऐसा अपने आपके बच्चे को वो सिखाएं और डिसिप्लिन सिखाएं, हेल्प करें ताकि वो बच्चे आपसे ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करें और जाए। तो आप लोगों को भी चाहिए कि इम्पोर्टेंस को समझें, उनके इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और टीचर भी चाहिए, टीचर को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें और ऐसी तालीम उस टीचर वो ऐसा परचम ला रहा है कि वो लोग पूछने पर मजबूर हो जाए कि आपके जो प्री प्राइमरी टीचर्स थे या फिर आपके जो इनिशियल टीचर थे, इनिशियल पॉइंट में जो टीचर थे वो कौन थे, क्या नाम था, तभी जाके आपके टीचर्स के भी नाम होंगे और प्रोवाइड अपने एजुकेशन को लिया है। तो यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो 5 सितंबर को बॉर्न हुए थे, इस दिन को ये वो पैदा हुए थे जिस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं राधाकृष्णन जी के नाम पे टीचर्स डे। वो इंडिया में इंडियन फिलोसफर थे जो कि इंडिया के लिए बहुत सारे काम किए हैं और सबसे पहला जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने थे, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद उनको प्रेसिडेंट बनाया गया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हटे तो उनको फिर उनके बाद उनको बनाया गया। तो एक इम्पोर्टेंस था, फिलोसफर थे, काफी कुछ दिए हैं एजुकेशन फील्ड में, तो आज हम लोग उनको याद कर रहे हैं। ये टीचर को चाहिए कि टीचर भी इस तरह से कुछ प्रोवाइड करे इस सोसाइटी में अपने बच्चों को, जो बच्चे